अस्सलाम वालेकुम, मैंने गैस व्हाट्सअप पे बोल माई नीमित आजम एंड आप सभी लोग एक न्यू ब्लॉग में खुश आमदीद। तो भाई सुबह सुबह वक्त है एंड काफ़ी तेज़ हवा चल रही है एंड उसके साथ साथ काफ़ी तेज़ गर्मी भी है। तो एनीस भाई, ये जो छोटे बाल को देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं कम्पेयर टू बड़े बाल, बट इसको जब मेंटेन करना बड़े बाल से भी ज़्यादा मुश्किल है। जैसे कि आप देख सकते हो आजू बाजू से मस्त पॉइंट निकले हुए हैं जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एक बार के लिए अगर आपके बड़े बाल होते हैं तो आप इसको आराम से हाथ घुमा के सेट भी कर सकते हो भाई, हाथ घुमाने के बाद भी सेट नहीं होता छोटे बाल के भाई मुझे नहीं पसंद है। अनफॉर्चुनेटली भाई जो मंडप है वो खुल चुका है, नहीं तो यहाँ से मंडप दिखाई देता था। मैं भी सिर्फ एक ही बार देखा था मंडप क्योंकि आई एम वेरी शाई पर्सन। यहाँ पे अपना टेबल फैन है, वीडियो शूट करता हूँ उसके बाद में बीच बीच में मैं फैन ऑन करके जो हवा खाते रहता हूँ बैठ के, जिससे जो एकदम बैलेंस में रहता है। जिंदगी में ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोपहर में खाना खाने के बाद बाहर पीक 47 डिग्री सेल्सियस था, बाहर जाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है, नहीं तो मेरा मुकड़े की पूरी वाट लग जाती है। ऑलरेडी काफी सारी घोमरिया है पहले से तो मुझे ज्यादा नहीं चाहिए। वो आज के टाइम पे ऑलमोस्ट एवरी सिंगल पर्सन इज मेकिंग वीडियोस, दे वांट टू गो वायरल। वायरल जाने की वाइफ खुशी अलग ही होती है। जैसे कि आपको पता होगा मैं 2 से 3 वीडियो जो वायरल गए हैं, एक वीडियो पर 2 लाख से भी ज्यादा व्यूज है। देखिए भाई, देखिए काफी अच्छा लगता है। आज से 2 साल पहले अपनी कंट्री में एक एप्लीकेशन था जिसका नाम था टिकटॉक। अभी यूट्यूब पे काफी मुश्किल हो रहा है ग्रो करने के लिए, तो काफी सारे ऐसे भी क्रिएटर्स हैं जिसका मैं पहले से देखते आ रहा हूँ, आज उनके व्यूज काफी ज्यादा कम आ रहे हैं, कम से बहुत ज्यादा कम आ रहे हैं। उसका रीजन कहीं ना कहीं टिकटॉक भी है। और टिकटॉक रीजन क्यों है, टिकटॉक बैन होने के पहले इंडिया में एक ऐसी एप्लीकेशन थी कि भाई ऑलमोस्ट सभी के सभी लोग यूज कर रहे थे, बट उसके बावजूद भी यूट्यूब पे सब अच्छे खासे काम कर रहे थे। देन सडनली टिकटॉक हो जाता था बैन। टिकटॉक बैन होने के बाद मार्केट में पूरी बारिश आ गई, एक दिन में 4-5 एप्लीकेशन लॉन्च हो रहे थे शॉर्ट वीडियोस के। भाई ऑल्सो यूट्यूब कब से फिराक में बैठा था कि यूट्यूब एक शॉर्ट वीडियोस का प्लेटफॉर्म बनाने वाला था उस टाइम पे। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। इंडिया में सबसे ज्यादा टिकटॉक का क्रेज था, तो जैसे ही यहाँ पे टिकटॉक बैन हुआ उसके बाद से आपको बोलने की जरूरत है ही नहीं। उसके बाद आया एमएक्स टकाटक एंड ऑल्सो और भी एप्लीकेशन, फिर शुरू हो गया सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट जो है इंस्टाग्राम रील्स। अगर आप अभी इंस्टाग्राम रील्स पे सर्च करोगे # इंस्टाग्राम रील्स के, तो भाई आपको सिर्फ और सिर्फ रील्स के 5 से 6 मिलियन टैग मिल जाएगा भाई, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर होता है। रील तक तो फिर भी सीमित था, फिर आता है यूट्यूब शॉर्ट्स। जब यूट्यूब शॉर्ट्स आया तब सबके सब एंड हो गया। टिकटॉक बैन होने के बाद मुझे पता चल गया था अगर सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा तो वो होगा यूट्यूब को ना। यूट्यूब एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसे आज के टाइम में बच्चे से लेकर बड़े तक यूज करते हैं। भाई हुआ क्या, रील्स एंड इंस्टाग्राम शॉर्ट्स की वजह से जो यूट्यूब के लॉन्ग वीडियोस होते हैं उसकी रीच जो है काफी ज्यादा कम हो गई। अगर आप इंस्टाग्राम पर ओपन करते हो तो इंस्टाग्राम पे आपको मिलता है रील्स, एंड अगर आप यूट्यूब स्टार्ट करते हो तो आपको यूट्यूब पे मिलेगा यूट्यूब शॉर्ट्स। अगर मैं मेरी पर्सनल बात करूँ, मैं भी जो आराम से काफी ज्यादा टाइम दे देता हूँ यूट्यूब शॉर्ट्स पे या तो फिर इंस्टाग्राम रील्स पे, एंड भाई मुझे पता भी नहीं चलता इतना ज्यादा टाइम निकल जाता है सब देखते हैं। सेम गोल्स टू यूट्यूब शॉर्ट्स, यूट्यूब पे भी काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, एंड ऑल्सो भाई रील्स या शॉर्ट्स पे भी आपको काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। भाई लोगों को चाहिए कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा एंटरटेनमेंट, तो भाई डेफिनेटली कोई क्यों 15 से 20 मिनट का वीडियो देखेगा। तो भाई यूट्यूब काफी तगड़े प्रमोशन कर रहे हैं भाई शॉर्ट्स के, एंड ऑल्सो भाई इंस्टाग्राम के रील्स की बात ही अलग है। आज के टाइम पे अगर मैं देखो तो जो पहले टिकटॉक को ट्रोल करते थे आज वही शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं लाइक रील्स यूट्यूब शॉर्ट्स, पर उसका नाम बदल गया। आई लव मेकिंग वीडियोस था भाई, मुझे ज्यादा कुछ फर्क पड़ता है नहीं फिर चाहे मैं शॉर्ट वीडियोस बनाऊं या फिर लॉन्ग वीडियोस बनाऊं, आई जस्ट लव मेकिंग वीडियोस। द फैक्ट इज अभी के टाइम में ज्यादा चल रहे शॉर्ट वीडियोस या फिर रील्स, उसका एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो ये है मेरा ब्लॉग चैनल। इस चैनल के अलावा मैंने एक और चैनल जिसके ऊपर मैं शॉर्ट वीडियो अपलोड करता हूं, उसका नाम है लिटिल बी। लिटिल बी वाले चैनल पे जब मैंने फर्स्ट शॉर्ट अपलोड किया था तो भाई वो सिर्फ कुछ ही मिनटों में जो उसके अंदर 2K व्यूज हो गए थे कंप्लीट। एंड देन उसके नेक्स्ट दिन मैंने एक और शॉर्ट वीडियो डाला, उस वीडियो में कुछ टाइम बाद 1.5K से ज्यादा व्यूज आ गए थे। भाई इस चैनल पे भी जो मेरे शॉर्ट वीडियो है उसके भी अच्छे खासे व्यूज है एज कम्पेयर टू माई ब्लॉग्स। अगर अभी टिकटॉक होता तो ना तो कहीं इतने ज्यादा लोग वीडियो इंस्टाग्राम रील्स से बनाते हैं या तो फिर शॉर्ट्स पे बनाते हैं। भाई डेफिनेटली लोग जो मैक्सिमम जाते हैं
टिकटॉक पे। उसका बेनिफिट हमको ये होता, लोग जो है हमारे व्लॉग्स या वीडियो डेफिनेटली देखते, फिर चाहे वो कितने भी मिनट के हो। बट दिस इज द बिटर ट्रुथ एंड दिस इज अ फैक्ट। ऑल्सो काफी लोग अभी भी एनिमेटेड शॉर्ट वीडियोस को लेके छोटी बच्ची हो क्या, जो कि मुझे लगता है उसका कुछ नहीं हो सकता। अभी ये जो मैं टाइम देख रहा हूँ उसके अंदर लोग पसंद करे शॉर्ट वीडियोस देखने के लिए रादर देन लंबे लंबे वीडियोस देखना। वीडियोस वायरल कैसे करते हैं आज तक कोई भी नहीं बता सकता, क्योंकि भाई वीडियो कौन सा कब वायरल हो जाए वो जो किसी को भी पता नहीं होता है। जस्ट अपलोड वीडियोस एंड गुड क्वालिटी वीडियोस एंड उसके साथ साथ गुड कंटेंट, डेफिनेटली मेहनत का फल मीठा होता है। विद दैट सेड, अगर आपने इस व्लॉग को यहाँ तक देख लिया तो थैंक यू सो मच फॉर द बटन ऑफ माय हार्ट। एंड हम सिर्फ 600 सब्सक्राइबर दूर है 2000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने के लिए, तो डू सब्सक्राइब इफ यू हैवंट येट। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, स्नैपचैट सबकी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो मैं इंस्टाग्राम पे स्पेशली मुझे फॉलो करना, क्योंकि मैं वहाँ पे काफी ज्यादा अपडेट्स देते रहता हूँ। एंड डू कमेंट ऑन बिलो, मिलता है आपको बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम एंड पीस आउट।